स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सभी को डेन आरएलएम से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दीदी आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ आप हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दीदी आप पहले से ही डेन आरएलएम में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंच सूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय से वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वरीयता भी मिलती है। तो चलिए दीदी ज़्यादा ना बात करते हुए मैं टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, आने वाले वक्त में यूपी में 5 नए उद्योग अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। जी हाँ दीदी, प्रदेश सरकार इसके साथ ही इन्हें 254 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने को तैयार हो गई है। कैबिनेट की बैठक में जल्द इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूर होगा। पश्चिमी यूपी में लगे इन फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, टच पैनल, एलईडी आदि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण करेंगे। इसके जरिए 23,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। शासन की हाई पावर इम्पोर्टेंट कमेटी ने 5 निवेशकों, संस्कृति इन्फोटेनमेंट, फेंडा ऑडियो इंडिया, लियन चुआग इलेक्ट्रॉनिक के HY इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, वीवो मोबाइल इंडिया के HK वीटेक इंडिया द्वारा निवेश करने के एवज में मिलने वाली वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। इन वित्तीय प्रोत्साहन में कैपिटल सब्सिडी, स्टाफ ड्यूटी, इंटरेस्ट सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति, जमीन पर छूट शामिल है। यह सारे प्रोत्साहन 253.56 करोड़ रुपए के हैं। अगर दीदी अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। सरकार इन्हें 5 कंपनियों को यह प्रोत्साहन 8 साल में देगी। पहले साल यानी 2020-21 में 174.4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष में 54.35 करोड़ दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में 2023-24 व वित्तीय वर्ष 20-24-25 में 23.6-23.6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बाकी की रकम इसके बाद के सालों में दी जाएगी। इनमें कुछ कंपनियों ने उत्पाद शुरू कर दिया है या करने की ओर अग्रसर है। बताते चले कि 200 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाने पर मिलने वाले इंसेंटिव की मंजूरी कैबिनेट से लेनी होती है। इन वित्तीय प्रोत्साहन में कैपिटल सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति, स्टाफ शुल्क में छूट, ब्याज उत्पादन प्रमुख है। चलिए दीदी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना छूटे। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को इसी प्रकार की जानकारी हर बार हम लेकर आते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि प्रेरणा टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते एक बार फिर कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को जो भी दीदी हमारी देख रही हैं, अगर वह ग्रामीण इलाकों में रहती हैं तो यह चैनल उन्हीं के लिए है, प्रेरणा टीवी चैनल। अगर दीदी शहर में रहती हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, या वह दीदी जो गांव में रह रही हैं, उनसे निवेदन है कि अपने रिलेशन में सभी से जो शहर में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, उनसे हमारे दूसरे चैनल प्रेरणा टीवी चैनल शहरी को जरूर सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि उस चैनल पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी, DNULM से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो चलिए आज के वीडियो पर इतना ही। धन्यवाद दीदी, जय आजीविका।